हमारे दो पड़ोसी, एक चाइना और एक पाकिस्तान, दोनों से हमारी जंगें हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, या फिर यूँ कह लीजिए एक दूसरे का मालिक है और दूसरा दूसरे का नौकर है। अब मैं किसको मालिक कह रहा हूँ, किसको नौकर, ये बात आप अपने आप समझ लीजिए। मेरे कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है। चलिए खैर, अब आगे की बात पर आते हैं। चाइना का कहना है कि अगर पाकिस्तान आने वाले वक्त में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेगा तो चाइना हर कीमत पर पाकिस्तान की मदद करेगा। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान काफ़ी जल्द फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाला है और पाकिस्तान लगभग फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो चुका है। पाकिस्तान के पास अपने ढंग के हथियार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर वो कुछ कर सकता है तो भारत को हथियार खरीदते हुए देख सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को अपने प्रधानमंत्री जी की भैंसें बेचनी पड़ रही हैं, प्रधानमंत्री जी की कारें बेचनी पड़ रही हैं, ताकि किसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरे। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उस कगार पर पहुंच चुकी है जहां पर उनके लिए एक एक रुपया बचाना ज़रूरी हो चुका है। इसके अलावा आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, उनके पास बांध बनाने तक के पैसे नहीं हैं। बांध जो कि किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी होता है पानी के लिए, पाकिस्तान के पास उस तक के पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ वो चाइना की मदद ले रहे हैं, लेकिन वो एक बात भूल चुके हैं, चाइना मदद किसी की नहीं करता, चाइना लोन देता है। पाकिस्तान जो पहले ही कर्ज में दबा हुआ है, वो वक्त आने पर चाइना से भी कर्ज ले लेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। CPEC का मुनाफा फिर पाकिस्तान को मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि चाइना अपने ब्याज में से उसका मुनाफा सारा अपने पास रखता रहेगा और इससे पाकिस्तान को एक और फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ेगा। चलिए खैर, हम और आप कर क्या सकते हैं। अगर पाकिस्तान की किस्मत में फाइनेंशियल क्राइसिस लिखा है तो उनकी अकल पर पत्थर तो पड़ेंगे ही, और शायद वो पड़ भी चुके हैं। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में चाहे पाकिस्तान फाइनेंशियली अमीर हो, लेकिन एक बात तो साफ है, पाकिस्तान कर्ज में इतना डूब चुका है कि अब पाकिस्तान के लिए इस बात से उभरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल आपसे लेता हूँ यहीं विदा। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया और बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।